ऑक्सीजन के बारे में मैं कहूँगा, एक तो यहाँ पर दो तीन दिन तक जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है उसमें कुछ टेक्निकल स्नैक आने की वजह से उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई डिप हो गई। फिर एक ऑर्डर निकाला गया कि एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर यहाँ राउंड द क्लॉक रहेगा, जो ये इंश्योर करेगा कि किसी भी तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई डिप ना हो। एक कंट्रोल रूम यहाँ बनाया गया है, क्योंकि जब एक ऑक्सीजन की सप्लाई डिप हो जाती है तो उस पर उस टाइम पेशेंट मरीज जो हैं वो बड़े परेशान हो जाते हैं, और उनसे ज़्यादा उनके अटेंडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हमारे मरीजों का क्या, और ये जेन्युइन कंसर्न है। तो उसको उन कंसर्न्स को दूर करने के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया। उस कंट्रोल रूम को ऑपरेशनलाइज किए हुए अभी अब एक हफ्ता हो गया है, तो उन्होंने, मुझे खुशी है कि अच्छा काम कर रहे हैं। और यहाँ की जो बाकी चीज़ें थी, सैनिटेशन की बात थी, या जो खाना मिलना चाहिए लोगों को वो थी, या जो अटेंडेंस ऑफ स्टाफ की बात है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रही है। और जो यहाँ स्टाफ की कोई शॉर्टेज थी उसमें प्रिंसिपल साहब ने यहाँ पर रजिस्ट्रार से इंटरव्यूज किए हैं, फैकल्टी के इंटरव्यूज के एप्लीकेशन एडवर्टाइजमेंट इशू की है उसके भी आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं। और पैरामेडिकल स्टाफ के भी ये एडवर्टाइजमेंट निकाली है, तो उसका भी हम रिक्रूटमेंट करेंगे जल्दी से जल्दी। सर जो ऑक्सीमीटर तक उनको डिटेल्स दे सकते हैं किस किस को दिया गया है, किस किस को नहीं दिया गया है।